हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मसालेदार कुंदरू की इस रेसिपी। ये देखिए फ्रेंड्स, सब्जी कितनी अच्छी बनी हुई है। आप इसे रोटी चावल दोनों के साथ खा सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बनाने में बहुत ही इजी है। जब भी आपका खाने का मन हो, झटपट इस रेसिपी को आप बना सकते हैं। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। लाइक करना ना भूलें। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्वीटी। वेलकम टू माय चैनल स्वीटी रियल लाइफ। कुंदरू की सब्ज़ी बनाने के लिए मैं एक पाव कुंदरू ले ली हूँ, एक बड़ा साइज प्याज और एक मीडियम साइज टमाटर। अगर आप आधा किलो कुंदरू लेते हैं तो दो प्याज दो टमाटर लेंगे। तो मैं एक पाव बना रही हूँ। तो कुंदरू को सबसे पहले कटोरे में पानी ले लेंगे और कुंदरू के दोनों साइड से इसका निकाल देंगे और बीच से ऐसे एक चीरा लगाएंगे और एक ऐसे लगाएंगे। ऐसे हमें कुंदरू काटना है। सारे कुंदरू को ऐसे ही काटेंगे। मैं एक और बता देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, सबको ऐसे ही काटना है। सारे कुंदरू को मैं काट ली हूँ। इसको पानी में वॉश कर लेते हैं। इसको अच्छे से वाश करेंगे दो पानी। कुंदरू को रख देंगे साइड में। कुंदरू से पानी सूख रहा है तब तक हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट बना ली हूँ और प्याज को कद्दूकस कर ली हूँ। अगर आपके पास मिक्सी नहीं है तो इसे भी छोटा छोटा काट सकते हैं और प्याज को बारीक काट सकते हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर रख दिए कढ़ाई। जब कढ़ाई गर्म हो जाएगा उसमें डाल देंगे 3 टेबल स्पून ऑयल। तेल को गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो गया है, उसमें डालेंगे कुंदरू। कुंदरू को बचा कर डालेंगे क्योंकि कुंदरू डालने के बाद बहुत उड़ती है। कुंदरू डालने के बाद ढक्कन से ढक देंगे ताकि हाथ पैर जले नहीं। कुंदरू बहुत उड़ती है। इसे एक दो बार ढक के पकाएंगे। उसके बाद ढक्कन हटा के इसे ब्राउन होने तक भूनना है। कुंदरू को 80% ही भूनना है। उसी में डाल देंगे आधा चम्मच नमक। नमक डाल के मिला देंगे और कुंदरू को भूनेंगे। गैस को मीडियम ही रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही कुंदरू को भूनेंगे। ये देखिए फ्रेंड, कुंदरू अच्छे से फ्राई हो गई है। हमें इसे 80% ही फ्राई करना है। उसके बाद कुंदरू को निकाल लेंगे। कढ़ाई में तेल बचा हुआ है उसी में हम बना लेंगे सब्जी को। अगर आप कढ़ाई में तेल नहीं बचा हुआ है तो आप दूसरा भी तेल ऐड कर सकते हैं। उसी में डाल देंगे जीरा और मेथी फ़ोरन के लिए। इसे चटकने देते हैं। इसी में ऐड करेंगे हींग। ये सब फ़ौरन चटक गया है उसी में डाल देंगे प्याज। प्याज को डाल देंगे। प्याज को डालने के बाद अच्छे से मिला लेंगे प्याज को और गैस को हम करेंगे मीडियम और प्याज को ब्राउन होने तक भूनना है। इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज ब्राउन हो गया है। प्याज भून गया है। अब इसी में हम डाल देंगे टमाटर की प्यूरी। टमाटर डालने के बाद उसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर। उसके बाद मसाले को मिला लेंगे और मसाले को अच्छे से भूनना है। मसाले को गैस को मीडियम करके ही भूनेंगे। गैस को करेंगे मीडियम और मसाले को अच्छे से भूनना है। इसी में डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक और साथ ही में डाल देंगे गरम मसाला। मसाले भून गए हैं। कितने अच्छे मसाले भुने हैं और कलर भी कितना अच्छा आया है। इसी में हम डाल देंगे पानी। एक कप के लगभग मैं पानी डालूंगी। इसी में डाल देंगे फ्राई किया हुआ कुंदरू। इसे भी मिला लेते हैं। इसी में डाल देंगे कस्तूरी मेथी। आप धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं। अब इसे ढक देंगे और गैस को करेंगे मीडियम और 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसे पकने देंगे।
मिलते हैं 5-6 मिनट बाद। ये देखिए फ्रेंड्स, सब्ज़ी कितनी अच्छी बनी हुई है। हम गैस को कर देंगे ऑफ, सब्ज़ी को ठंडा होने देते हैं, उसके बाद सर्व करेंगे। आई होप रेसिपी पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए नमस्कार, टेक केयर।